जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी हब क्लासेस। स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ठाकुर हियर। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट अफेयर से रिलेटेड भी, और साथ में आने वाले एग्जाम में या इंटरव्यूज में भी जो ये टॉपिक जो आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो या फिर आप SSB इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें भी जो है वो LCH प्रचंड के बारे में जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है, इसकी पूजा की है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को, और इसको सक्सेसफुली जो है वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो उससे पहले जो है वो आगे चलने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि HAL कब एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कब एस्टेब्लिश हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो आप बने रहिए। साथ में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ये इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, एक तो मेड इन इंडिया है, इंडिजिनियस है, और इसको इंडियन एयरफोर्स में जो है वो सक्सेसफुली शामिल किया गया है, इंडक्ट किया गया है, और इसको डिजाइन किया गया है ट्विन इंजन, जो कि फ्रांस का शक्ति इंजन जिसको बोलते हैं, ट्विन इंजन है, दो इंजन से बनाया गया है। एंड वेट की बात करें तो 5.8 टन वेट, लाइट वेट है, दस इट इज कैटेगराइज्ड एज लाइट, इसको इसीलिए इस कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, लाइट की कैटेगरी में इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि इसका वेट कम है। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फॉर पायलट एंड को पायलट रहेगी। को पायलट के लिए वेपन सिस्टम ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और साथ में आपको बता दें कि इट हैज मैनी मोर स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम, जो कि इसको एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो बनाता है। आगे बात करें फीचर्स या सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो उसका वेट कम है। स्पीड की बात करें तो 268 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो है वो ये हवा में दौड़ सकता है, और रेंज की बात करें तो 550 किलोमीटर तक जो है वो इसकी रेंज रहेगी। मैक्सिमम डेंसिटी एल्टीट्यूड की बात करें कि जितने हाई तक ये उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है, तो एंड्योरेंस इसकी ओवर 3 आवर्स है, और अगर डिस्टेंस की बात करें तो 6.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड में जो है ये फ्लाई कर सकता है। ठीक है, पावर्ड बाय 2 फ्रेंच ओरिजिन शक्ति इंजन विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द HAL। तो देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फिर से एक बार नाम आया, जो कि आपका जो क्वेश्चन था वो भी इसी से ही रिलेटेड था, जिसका आंसर अभी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। उसके बाद इसकी अगर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें, तो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज आपको पता है, देखिए इसमें रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल लगा है। ठीक है, क्रैश प्रूफ स्ट्रक्चर है, और लैंडिंग गियर जो है वो इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। प्रेशराइज्ड कैबिन ऑफर्स जो है वो किए गए हैं, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंटिजेंसीज। ठीक है, ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल की हर तरह की जो है वो डेंजरस से हमें बचाएगा, और जो पायलट को पायलट उसको सेफ रखेगा। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो इसमें कैपेबिलिटीज है कॉम्बैट रोल्स में, सच एज की एनिमी को खत्म करना, उसके डिफेंस सिस्टम को खत्म करना, कॉम्बैट सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो उसका यूज कर सकते हैं, एंटी टैंक में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसकी काफी जो है वो कैपेबिलिटीज है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है हमारी भारतीय सेना के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आगे चले तो वाई नीड इंडिजिनियस LCH, देखो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी और कब पड़ी। जब 1999 में करगिल की लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम जो था हमें एक ऐसे ही असॉल्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो कि लाइट वेट हो, और हर एक मतलब देखा जाए तो हर एक कोल्ड एल्टीट्यूड या फिर हाई टेम्परेचर हॉट डेजर्ट्स में जो है वो यूज कर सके। ठीक है, कि मतलब अगर डेजर्ट्स में हमें जिसका यूज करना हुआ तो वहां पे भी हम कर सकें, और हाई एल्टीट्यूड में करना हुआ तो वहां पे भी कर सकें। ठीक है, उस टाइम हमें इसकी जरूरत महसूस हुई थी, जिसके बाद हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया। हमारे पास जो है वो इस टाइम 3 टन कैटेगरी के फ्रेंच ओरिजिन लेगेसी हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें चेतक और चीता जो है वो इसमें मेड इन इंडिया है। ठीक है, और इसको भी किसने बनाया है, HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अगर मैं आपको बता दूं HAL क्या है, तो HAL आपकी एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1940, और ये एस्टेब्लिश हुई थी बेंगलोर में। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश एज हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, देन आफ्टर दैट इट इज रिनेम्ड एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये एक डिफेंस PSU भी मानी जाती है। आगे चले सेल्फ डिफेंस की अगर बात करें, तो देखिए LCH इतना कैपेबल है कि वो सेल्फ प्रोटेक्शन भी कर सकता है। उसमें ऐसे कंसिस्ट रडार लेजर मिसाइल अप्रोच लगी वार्निंग सिस्टम लगा है, जो उसको पहले ही वार्न कर देता है कि दुश्मन ने जो है वो आप पे मिसाइल लागी है, तो ये पहले ही खुद को जो है वो एक सेफ जोन में जो है वो एंटर कर लेता है। ठीक है, खुद को बचा लेता है, तो ये काफी एक अच्छा रहेगा, जिससे हमारे भारतीय
सेना के लिए भी जो है वो काफी इसके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है, कि हमारा जो मतलब हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, उसको मतलब खत्म करना काफी मुश्किल हो सकता है दुश्मन के लिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि व्हेन वाज एस्टेब्लिश एचएल एस्टेब्लिश, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1940, और ये हुई थी बैंगलोर में, ठीक है। तो इसी के साथ अगर देखें तो इसके रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं अगर हम इस टॉपिक से देखें, तो एचएल जो ये बनाया है इसने, एलसीएच प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, तो इसके काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया है इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी इंडिया के लिए या इंडियन बॉर्डर्स के लिए, ठीक है। और चाइना की बात करें तो चाइना बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर में हमारे पास इसकी क्या सिग्निफिकेंस रहेगी। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर हम सियाचिन की बात करें, इट्स हाई एल्टीट्यूड में है, कश्मीर की बात करें हाई एल्टीट्यूड में जो एरियाज हैं वहाँ पे जो है वो प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो हम इसका काफी अच्छा यूज कर सकते हैं, इंडिया को जो है वो इसकी काफी इंपॉर्टेंस है और ये काफी जगह जो है वो यूज हो सकता है, सक्सेसफुली हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया डिफेंस फोर्सेस के लिए ये काफी प्लस पॉइंट है कि हमारे पास जो वो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो आगे चलें, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नया बैच जो वो हमारा एक शुरू हो रहा है एचपी सब इंस्पेक्टर का, तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, अभी दिवाली ऑफर चला है। और साथ में अगर हम आपको बता दूं तो ये वैसे भी एक इनिशिएटिव है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सो दैट कि आपको कम अमाउंट में जो वो बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए अंडर द क्वालिफाइड मेंटर्स, ठीक है। तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो गिवन जो कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे दिखी है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ के थ्रू जो है वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में भी हम आएंगे आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर, साथ में हमारी जो सीरीज चली है उसकी वीडियोज भी अभी हम अपलोड करेंगे, कंटिन्यू करंट अफेयर्स की वीडियो, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।